हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक और न्यू रेसिपी, तो चलो किचन में। तो मैंने लिए हैं 4 आलू और 3 हरी मिर्च और एक ये है चॉपर, जिसमें मैं इन सबको करने वाली हूँ कट। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको हाथ से भी कट कर सकते हो। मुझे टाइम बचाना है तो मैं इसमें कट कर रही हूँ इन सबको। तो मैंने कर लिया है इन सबको कट। ये देखिए, आलू और मिर्च दोनों इसमें हैं मिक्स कट। आप चाहो इसमें हर वेजिटेबल कट कर सकते हो। ओके, तो अब इनको हम निकालेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है पानी ताकि ये साफ़ हो जाए। फिर चलते हैं हम हमारी गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। फिर अब इसमें हम डालेंगे तेल। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो ये हमारा तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें अब थोड़ा जीरा डाल के देखती हूँ। ये देखिए, थोड़ा बहुत गरम हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। और मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप मत डालना, स्किप कर देना। जब ये गरम हो जाए तेल ठंडा करके डालना, पर मैंने गरम गरम में डाल दिया तो थोड़ा उछल गया तेल। ये सब डालने के बाद में आलू मिर्च को हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अगर आप चाहो तो इसमें प्याज और मटर वो भी डाल सकते हो, बट मेरे को बस अभी आलू मिर्च यही है तो मैंने इन्हीं दो से काम चलाया है। आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। तो हल्दी डालने के बाद में इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट रेसिपी आपको किस चीज़ की चाहिए, क्या बनाना है। ओके, मैं ट्राई करूँगी, आप जो बोलोगे वो वीडियो डाल लेगा। ओके, तो हम इनको पकाएंगे थोड़ी देर अच्छे से। ये देखिए, ये हमने लिए हैं पका। थोड़ा टाइम लगेगा आलू को पकाने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, क्या लाइक क्या रेसिपी चाहिए, अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए। मैं ट्राई करूँगी बनाने का। ओके, तो हम इनको लेते हैं पका अच्छे से। ये देखिए, आलू पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं तो आप थोड़ा वेट करना। हम इसमें पानी ऐड नहीं करने वाले, हम बिना पानी के ही बनाने वाले हैं सूखी सूखी सब्ज़ी। हमारे यहाँ इसको आलू का भाजा भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जितना नमक। मैंने 1 चम्मच ही डाला है, आधा आधा चम्मच करके, तो आप ये मत सोचना मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। तो 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला है इसमें नमक। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से नमक डालना, वरना खारा भी हो सकता है। ओके, तो फिर हम इन सबको कर लेंगे मिक्स और थोड़ी देर पकाएंगे। आप ध्यान रखना आलू को थोड़ा पकाने के बाद में ही इसमें नमक को ऐड करना। ओके, तो हम इसमें नमक करेंगे ऐड। ये देखिए, मिला लिया है। आप इसको बीच बीच में चलाते रहना, वरना ये कढ़ाई पे चिप जाएंगे आलू सारे। ये मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। फिर हम इस गरम मसाले को भी हम अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पकाइए, फिर इसको भी मिला लेंगे। तो हम वेट करते हैं, पकाते हैं। आलू पकने में रियली काफ़ी टाइम लेता है। तो चलो, अब मैंने गरम मसाले को भी इसमें मिला लिया आलू में, ठीक है। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ओके, ये देखिए, हाँ वेट करते हैं आलू को पकाने में। जब आलू हमारे पक जाएंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची और धनिया, ठीक है। आप इसको ठंडी रोटी के साथ में भी खा सकते हो, दाल चावल बनाए हो तो आप उसके साथ में भी इसको खा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आप ठंडी रोटी के साथ ही खाओ, आप गर्म रोटी के साथ में भी खा सकते हो। तो हमारे आलू ऑलमोस्ट पक गए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं।
90% मान लो आलू हमारे पक चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची और धनिया। ओके, तो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच के बराबर मिर्ची। 2 चम्मच मैंने इसमें मिर्ची डाली है। ओके, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है मैंने इसमें। इस मिर्ची में बस कलर है, ये तीखी नहीं है, तो आप ये मत सोचना ये काफ़ी ज़्यादा डाल दी मैंने, इसका बस ये कलर है, तीखी नहीं है मिर्ची। तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल लेना और थोड़ी देर इनको पकाना अच्छे से, मिर्ची और धनिया डालने के बाद में फिर इसको आप गर्म गर्म रोटी के साथ सर्व करना। ओके, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, भूलना मत। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।